और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम अमृत पाल और मेरे साथ सोनू भाई। हेलो फ्रेंड। तो आज हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे अपाचे 160 का, क्योंकि सोनू भाई ने खरीदी थी 2017 में। ये BS4 मॉडल है और ये 160 है, ये 164 भी नहीं है। तो आज हम रिव्यू करेंगे, पूछेंगे भाई से कि भाई ने ये क्यों खरीदी, क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, और इसमें ये सोनू भाई दूसरों को रिकमेंड करता है कि नहीं ये वाली बाइक, और इसके कंपटीशन में कौन कौन सी बाइक है। तो चलो सोनू भाई से पूछते हैं कि भाई सोनू भाई तूने ये बाइक क्यों खरीदी। मैंने तो पहले ये इसको लुक करके पसंद करा था कि ये लुक में सही लगती है मेरे को। फिर बाकी मैंने जैसे जैसे इसको यूज़ करा, इसकी पावर के बारे में पता चला, और इसमें मीटर के जो इसके फंक्शन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, और बाकी इसमें पावर तो ही है। बाकी ये बाइक मैंने भी चलाई है, बाकी सबसे सही बात इसका थ्रोटल है। मतलब जैसे मैं पल्सर चलाता हूँ ना, पल्सर में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता, मतलब रिस्पांस अच्छा है उसका, बट इसमें थोड़ा पंची टाइप है, मतलब रिस्पांस हल्का सा थ्रोटल करोगे ये भागती है। तो ये ड्रैग रेस में, मतलब ये 160 को 180 को, मतलब पल्सर सीरीज को हरा सकती है ड्रैग रेस में। ये काफ़ी 100 मीटर में काफ़ी अच्छी स्पीड खींच लेती है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है थ्रोटल का। बाकी दूसरी बात इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, इसमें थोड़े फीचर ज़्यादा है पल्सर से। क्लॉक है इसमें, इसमें क्लॉक है, हाई स्पीड रिकॉर्डर है, आप जो भी हाई स्पीड टच करोगे ये रिकॉर्ड कर लेगा। इसमें ट्रिप मीटर कितने हैं? ट्रिप मीटर तो है इसमें, इसमें दो ट्रिप मीटर है। तो इसका इंस्ट्रूमेंट भी दिखाएंगे आपको। और दूसरा सुनो भाई से पूछते इसके प्राइस ऑन रोड पंचकूला में क्या पड़ी? ऑन रोड पंचकूला में मेरे को 1 लाख की पड़ गई थी विद पेपर और डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस। और जो नंबर था ये अलग से था नंबर? ना, इसी में था सब। अच्छा, 1 लाख के अंदर इंक्लूड थी। हाँ, सब। बट ये जो प्राइस है ये है 2017 की, उसमें हाँ। 1 साल का इंश्योरेंस था। हाँ। ठीक है, तो अब अगर आप ये बाय करोगे तो ये 1 लाख से ऊपर जाएगी इसके प्राइस, क्योंकि नॉर्मल की बात आप पे करोगे 5 साल की इंश्योरेंस के लिए, बट फिर भी इसे 1 लाख की कैटेगरी में ही माना जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस सिटी टू सिटी वैरी होती है प्राइस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी आफ्टर सेल सर्विस की, इस बाइक को खरीदने के बाद इसकी सर्विस कैसे मिलती है, इसका जो कंपनी का सर्विस सेंटर का रिस्पांस कैसा है जब आप ये बाइक बाय करते हैं। वही बाइक की क्या आफ्टर सेल सर्विस है? सर्विस वो ठीक ठाक ही करते हैं, मतलब ये नहीं कि पूरी ओके करते हैं, मतलब ठीक ठाक कर देते हैं सर्विस, इंजन ऑयल और ब्रेक ग्रुप टाइप। अच्छा, और मतलब जो इसकी सर्विस कॉस्ट आती है वो जेन्युइन है कि ओवर प्राइस है, क्या काफ़ी कम है, कैसे है, क्या मीडियम है? ठीक ठाक ही है, ज़्यादा वो भी नहीं है, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब कम्यूटर बाइक है, नॉर्मल है, बजट में है, बजट फ्रेंडली बाइक है, क्योंकि इंडियन कंपनी है। और भाई इसकी बात करते हैं पार्ट्स की, पार्ट्स इसके मिल जाते हैं इंडिया की हर मार्केट में इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इसकी सबसे सही बात यह है, जापानीज बाइक नहीं है कि आपको पार्ट्स इंपोर्ट कराने पड़ेंगे या कुछ है, आप लोकल मार्केट हो, आपको डुप्लीकेट पार्ट्स चाहिए इसका डुप्लीकेट भी मिलेगा, ओरिजिनल भी मिलेगा, मतलब इसके पार्ट इंडिया के हर एक शहर में आपको मिल जाएगा। तो अब सुनो भाई से पूछते हैं कि अभी तक भाई ने कितनी चलाई है ये बाइक 2 साल के अंदर, और अब तक कितनी हाई स्पीड को टच किया है। तो सुनो भाई काफ़ी तेज़ बाइक भगाता है, काफ़ी एक्सपीरियंस बाइकर है ये, मेरे को हराता है क्योंकि मैं नया बंदा हूँ बाइक चलाने में। तो सोनू भाई अब तक कितने किलोमीटर चलाई है 2017 से? इसे मैंने 14,000 किलोमीटर चला दिया कुछ, और बाकी इसकी हाई स्पीड है 134 मैंने टच करी है, और इसको काफ़ी लॉन्ग रूट पे, दिल्ली एरिया पे, हर जगह चलाया मैंने। तो सोनू भाई कुफरी तक लेके जा रखा है, कुफरी तक तो नॉर्मली ले जाते हैं बाइक को। तो भाई अब बात करते हैं इसकी सीटिंग पोस्चर की, इसकी पिनियन सीट कैसी है और इसकी राइडर सीट कैसी है? तो भाई कैसी है इसकी सीट? राइडिंग सीट का एक्सपीरियंस है मेरे को, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रूट ले गया मैं, हिली एरिया में भी ले गया हूँ, वहाँ पे भी ठीक है, मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम होती है बैठे हुए थक जाते हैं, बाकी बैक में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बैक वाली सीट में भी। तो जैसे कि इसकी सीट है ये सिंगल सीट है, ये स्प्लिट सीट नहीं है, तो पिलियन और राइडर काफ़ी अच्छे से बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, एक्चुअली जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, मेरे को काफ़ी बाइक से सूट भी नहीं करती, जैसे 164 भी है उस पर बैठा तो वो काफ़ी छोटी लगी मेरे को, बट ये जो बाइक है अगर आपकी हाइट 6 फीट है, आप टॉल हो, तो ये आप पे सूट करेगी, क्योंकि तो काफ़ी कम बाइक से रह गया जो लंबी हाइट वाले आदमियों के लिए है। तो ठीक है, ये बाइक आपको लंबी हाइट वालों को सूट करती है, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है, इसके अंदर एग्रेसिव पोस्चर नहीं है बिल्कुल भी, मतलब आपको झुक के नहीं बैठना पड़ता, और आप स्ट्रेट बैठते हो, बैक सीधी रहती है तो बैक में पेन नहीं होती, तो इससे ये कम्यूटर स्पोर्ट्स है,
आप रेसिंग कर सकते हो उसके साथ, या कम्यूट कर सकते हो, लोकल घूम सकते हो, या सिटी टू सिटी जा सकते हो। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये क्रूजिंग बाइक भी एक तरह से, आप इस पर क्रूज कर सकते हैं। तो अब सोनू भाई से जानते हैं कि इसको पेड सर्विस और फ्री सर्विस कितने की पड़ी है। इस बाइक के साथ आपको पांच फ्री सर्विस मिलती है, पांच फ्री सर्विस मिलती है, उसके बाद पेड सर्विस स्टार्ट होती है। तो सोनू भाई, फ्री सर्विस कितने की पड़ी थी और पेड सर्विस जो पहली हुई है अभी वो कितने की पड़ी है? तो मेरे को फ्री सर्विस इसकी कॉस्ट पड़ती थी 600 रुपये कुछ पड़ती थी, 600-500 रुपये कुछ उसके बीच में, और बाकी मेरे को पेड इसकी पड़ी है 1200। पेड इसकी 1200 है, जिसमें इंजन ऑयल, एयर फिल्टर चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, तो टोटल और लेबर मिला के 1200 की सर्विस इसकी पड़ गई है पेड वाली। और फ्री सर्विस आपको लेबर नहीं होती, बट उसके अंदर आपको पार्ट्स के चार्जेस देने पड़ते हैं फ्री सर्विस में। तो दोस्तों, अब सोनू भाई से पूछते हैं इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, कि जब से बाइक परचेज की इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। तो सोनू भाई, क्या प्रॉब्लम आई है बाइक के अंदर? तो पहली प्रॉब्लम तो है इसकी लाइट। जब मैंने इसको परचेज करा था तो इसकी काफ़ी लाइट ब्राइट थी, फिर जैसे जैसे पुरानी होती गई तो धीरे धीरे इसकी लाइट भी डिम होती गई है। अच्छा, और उसके बाद सर्विस सेंटर में हमने दिखाया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि सर्विस सेंटर वाले इसको अब तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। शायद ये प्रॉब्लम हमारे वाले शहर में ही होगी, हमारे शहर के सर्विस सेंटर में ही होगी कि टेक्नीशियन इतना डेवलप नहीं है, ठीक से कर नहीं पाए इसे ठीक से। और दूसरी प्रॉब्लम क्या सुनो भाई? इसकी दूसरी प्रॉब्लम है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन फील होती है इसमें बहुत ज़्यादा। जैसे तो इसके फुट पैड्स में और इसके हैंडल में ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है। बट दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आप 1.5 लाख तक की बाइक लेते हो या इनके साथ 2 लाख की बाइक भी लेते हो, कभी कभी सुपर बाइक्स में भी वाइब्रेशन आती ही आती है, मतलब मशीन है रोड पर चलने वाली तो वाइब्रेशन आती ही आती है। और ये भी 1 लाख के अंदर की बाइक है तो वाइब्रेशन को मिलेगी ही मिलेगी, बट ये नहीं है कि इसके अंदर बुलेट वाली वाइब्रेशन है कि आपके हैंडल ऐसे से काम बे, तो वो वाली वाइब्रेशन नहीं है, काफ़ी स्मूथ वाइब्रेशन है। और अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, एकदम शांति है हाईवे पे, आपको तब वो वाइब्रेशन सुनाई देगी, ऐसे नहीं सुनाई देगी आपको। अगर आप ट्रैफिक में होते हैं, आसपास ट्रैफिक का शोर होता है, तो आपको वाइब्रेशन नहीं सुनाई देगी। और अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाइक में वाइब्रेशन हो रही है, बट अगर आप नोटिस करते हो कि बाइक में वाइब्रेशन है तो हाँ है। तो किसी भी बाइक में आती है ये प्रॉब्लम, 1.5 लाख की बाइकों के अंदर आती आती है, उससे कम की बाइकों में आती आती है, सुपर बाइक्स में भी आ जाती है ये, तो ये नॉर्मल सी बात है। बाकी इसकी लाइट काफ़ी ब्राइट थी पहले, वो थोड़ी डिम हो गया है, शायद फ्यूचर में हम इसे ठीक करवाएं, कई अच्छे टेक्नीशियन को दिखाएं, या बल्ब चेंज करें इसका, LED लगाएं, LED लगाएं। तो दोस्तों, अब सोनू भाई से पूछते हैं कि ये बाइक सोनू भाई दूसरों को रिकमेंड करता है कि नहीं करता, ये बाइक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो सोनू भाई बताओ भाई। तो मेरे को एक बारी पहले किसी ने पूछा था कि ये बाइक लेना चाहता हूँ मैं भी, पर मेरी हाइट है 5.9 कुछ कहा था उसने, तो मैंने कहा ये बाइक तो ठीक है हाइट के हिसाब से, मैं 6 फुट का हूँ तो मेरे लिए भी ठीक है, 5 पॉइंट के लिए भी ठीक है। और बाकी बाइक की बात करें तो जैसे ये ऑल राउंडर टाइप में आ जाती है, कि जैसे रेसिंग भी करनी है अपने, टूरिंग भी करनी है या कॉलेज भी जाना है तो अपने सारे काम कर सकती है, रेसिंग भी कर सकती है, ये स्पोर्ट्स भी है, ये घूमने फिरने के लिए भी है, ये एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी है। तो सोनू भाई, तक कुफरी तक लेके जा रखा है बाइक, और कहाँ था लुधियाना तक लेके जा रखा है बाइक, तो इसके ऊपर आप 100 किलोमीटर की राइड आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों, आप ये बाइक खरीद सकते हो 1 लाख के अंदर, 1 लाख के आसपास, काफ़ी अच्छी रेंज है ये, काफ़ी अच्छी बाइक है, ड्रैग रेस में काफ़ी अच्छी है, इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और अगर आपकी हाइट 6 फीट है, थोड़ी कम है 6 से या फिर 6 से थोड़ी ज़्यादा है, तो भी ये बाइक आपको सूट करेगी। इसका पोस्टर बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है, ये सही बाइक है, आपकी बैक सीधी रहेगी, आप टूर कर सकते हो, रेसिंग कर सकते हो, आपकी एज कोई भी है, आप ये बाइक ले सकते हो, ये स्टाइलिश बाइक है काफ़ी। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको रेसिंग करनी है या आप टूरिंग करना चाहते हो, तो सही बाइक है, एक तरह से ऑलराउंडर बाइक है। बाकी हम आपको इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखा देते हैं कि क्या क्या फीचर है इसके अंदर, कैसा दिखता है। बाकी सोनू भाई बताएगा इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। तो पहले तो इसमें टाइम मिल जाता है, बाकी इसमें मीटर मिल जाता है, और ट्रिप मीटर मिल जाते हैं इसमें 2, और बाकी इसमें बैटरी का इंडिकेटर मिल जाते हैं यहाँ पे, और फ्यूल का भी, सर्विस का भी। अच्छा। तो ये भी 2 मिल जाते हैं इसमें, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सारे फंक्शन मिल जाते हैं। और उसके अंदर हाई स्पीड रिकॉर्डर मिल जाता है, कि जो भी आप हाई स्पीड टच करोगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी। इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा, अगर आप किसी को बाइक दे रहे हो तो आप बाद में देख सकते हो कि भाई उसने टॉप स्पीड कहाँ तक पहुँचाई है, या खुद की टॉप स्पीड रिकॉर्ड कर सकते हो। और उसमें सर्विस का इंडिकेटर है, जो कि काफ़ी सही लगा मेरे को, क्योंकि मेरी पल्सर 180 में है नहीं ये वाला,
तो सर भी सबको बता देगी कि एयर फिल्टर और फिल्टर क्लीन वाला क्लीन करने वाला पड़ा, तो ये बता देगा पहले ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये है सोनू भाई का चैनल, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सोनू भाई को फॉलो भी कर सकते हो अगर आपका कोई सवाल है, अपाचे के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, रेसिंग या पंचकूला या टूरिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो आप सोनू भाई को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।